दोस्तों लैपटॉप बाइंग के ऊपर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो पे 2 लाख के करीब व्यूज आए थे। ये वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आपको एक अच्छा लैपटॉप पिक करना हो। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो 2 है और ये वीडियो को अगर आप हमारे लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो नंबर 1 के बाद देखते हो तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा और आपको लैपटॉप चूज करते समय कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक बेहतर लैपटॉप ले पाओगे। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है लैपटॉप बाइंग से रिलेटेड जो है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट्स पे भी क्लिक कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अलर्ट आपको मिलती रहे जैसे कोई हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों रिसेंट 1 से 1.5 साल में काफी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला है, जैसे कि बहुत ज्यादा लैपटॉप की शॉर्टेज, लैपटॉप की हाई डिमांड और काफी सारे लोगों की इनकम पर असर। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं और बहुत बहुत सारे लैपटॉप मॉडल्स भी हैं, जिसकी वजह से हमें राइट लैपटॉप चूज करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। और दूसरा चैलेंज जो यूजर फेस करते हैं वो है कि लैपटॉप की प्राइस। तो नेचुरली हम ज्यादातर वो लैपटॉप बाय कर लेते हैं जो हमारे बजट में होता है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसे हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए नया लैपटॉप खरीदने से पहले। क्या आप जानते हैं अक्सर ब्रांड में कंज्यूमर मॉडल और कमर्शियल मॉडल दोनों होते हैं और कमर्शियल और कंज्यूमर मॉडल के लैपटॉप में काफी डिफरेंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं मैं, कंज्यूमर मॉडल में बिल्ड क्वालिटी कम होता है, वहीं पे कमर्शियल मॉडल की बात करूं तो ये हायर बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। जिसका मतलब ये है कि अगर कमर्शियल लैपटॉप खरीदते हैं तो ये लैपटॉप आप डेली ज्यादा देर तक चला सकते हो और उसमें कम प्रॉब्लम के साथ लंबे समय तक इजीली चला सकते हैं कंपेयर टू कंज्यूमर मॉडल्स। आप जानते ही होंगे कि लोग आज के दिनों में ज्यादातर घर से ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर का यूसेज ज्यादा हो गया है और काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में ज्यादा वारंटी वाला लैपटॉप, जैसे कि 3 साल वाला लैपटॉप या तो फिर 5 साल वाला लैपटॉप लेना बेहतर होता है। कंज्यूमर और कमर्शियल लैपटॉप की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तकरीबन सिमिलर होती है, लेकिन बिल्ट इन क्वालिटी में काफी डिफरेंस होता है। कमर्शियल लैपटॉप बनाया जाता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन वहीं पे कंज्यूमर लैपटॉप मेनली पर्सनल यूसेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कंज्यूमर लैपटॉप की बात करूं तो ये पर्सनल यूसेज पे फोकस करके बनाया जाता है, लेकिन अगर आप हाईली फंक्शनल, ज्यादा देर तक काम करना और ऑप्टिमाइज सिस्टम वाला लैपटॉप लेना चाहते हो तो आपको कमर्शियल लैपटॉप लेना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपका यूसेज कम है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, मीटिंग वगैरह करने के लिए, तो आपके लिए कंज्यूमर लैपटॉप भी चल जाएगा। अब समझते हैं हार्डवेयर क्वालिटी को। कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप में जनरली लैपटॉप को एक क्वालिटी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसे हम मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग कहते हैं, ताकि वो माइनर ड्रॉप्स, मिसहैंडलिंग्स को भी झेल जाए और ज्यादा देर तक हम उस पे काम कर पाए। कुछ कुछ कमर्शियल मॉडल में इवन धूल मिट्टी को रेजिस्ट करने की भी क्षमता होती है। कमर्शियल लैपटॉप में आप हफ्ते में लगभग 60 घंटे तक बड़े आराम से यूज कर सकते हो। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑफिसेस में जिनकी आईटी टीम नॉलेजेबल होती है वो ज्यादातर रिक्वायरमेंट को देखते हुए कमर्शियल सीरीज वाले लैपटॉप को खरीदना प्रीफर करते हैं, क्योंकि कंपनी बेस्ड होती है वर्क फोर्स पे और छोटे छोटे डैमेज की वजह से अगर वर्क फ्लो को अफेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस और रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा। वहीं पे कंज्यूमर सीरीज वाली लैपटॉप को इतनी टफ टेस्टिंग से गुजारा नहीं जाता। कंज्यूमर लैपटॉप को आप आराम से हफ्ते में तकरीबन 30 घंटे तक चला सकते हो, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा यूज करते हो तो मे बी वो बैटरी को अफेक्ट कर सकता है। कंज्यूमर सीरीज वाली लैपटॉप जो होते हैं वो जनरली ज्यादातर ड्यूरेबल नहीं होते, लेकिन एक चीज है कि कंज्यूमर सीरीज की लैपटॉप को बनाने में उसके मटेरियल, कलर, लुक एंड फील, टेक्सचर पे ज्यादा फोकस किया जाता है और ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो 2 से 3 साल के बाद यूजर को दूसरा लैपटॉप खरीदने की जरूरत
लगने लगती है और जिससे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी का भी फायदा होता है, क्योंकि अगर आप ऑन एन एवरेज एक लैपटॉप 2.5 साल तक चलाते हैं तो 5 साल में आपको 2 लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कमर्शियल लैपटॉप खरीदते हैं 5 साल की वारंटी के साथ, तो थोड़ा सा पेमेंट एक्स्ट्रा पे करके 5 साल तक लैपटॉप को यूज करने का मौका मिल सकता है। और अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं, कमर्शियल लैपटॉप में आप दिन का तकरीबन 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, वहीं पे कंज्यूमर लैपटॉप की मैं बात करूं तो ये तकरीबन 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। वैसे तो इससे कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी बैटरी पे कुछ असर पड़े। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। कमर्शियल लैपटॉप में अक्सर सिक्योरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कंज्यूमर मॉडल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेसेस ज्यादातर सिक्योरिटी फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनका डेटा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे HP के डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसे कि HP बायोस्फीयर, HP श्योर स्टार्ट, श्योर कनेक्ट, श्योर क्लिक, श्योर व्यू और बहुत सारे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, बायोस्फीयर, श्योर स्टार्ट वगैरह क्या है? तो आपको मैं ये भी थोड़ा सा डिटेल देता चलूं। बायोस्फीयर एक एनहांस्ड फर्मवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। श्योर स्टार्ट ऑटोमेटिकली फर्मवेयर इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है और रिपेयर भी कर देता है। वहीं पे श्योर कनेक्ट की बात करूं तो श्योर कनेक्ट रिकवर कर लेता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ड्राइवर को जब वो काम करना बंद कर देता है। और श्योर क्लिक की बात करूं तो श्योर क्लिक कंप्यूटर को सिक्योर करता है जब आप इंटरनेट पे ब्राउज करते हो और जब आप अनट्रस्टेड डॉक्यूमेंट को व्यू करते हो। और अगर मैं श्योर व्यू की बात करूं तो श्योर व्यू आपके PC को प्राइवेसी मोड में डाल देता है। डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नहीं तो फिर से पिछले वीडियो की तरह ज्यादा लंबा हो जाएगा। कंज्यूमर मॉडल के लैपटॉप में भी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि उसे घर के यूज के हिसाब से बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट की। कमर्शियल लैपटॉप में अक्सर ऑप्शन होता है कि आप उसे 5 साल तक की अपग्रेडेबल वारंटी ले सकते हो और इवन उसका आफ्टर सेल्स सर्विस और सपोर्ट बेहतर होता है। वहीं पे हमें कंज्यूमर मॉडल के लैपटॉप में 1 से 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कमर्शियल लैपटॉप में कॉस्ट का डिफरेंस कितना होता है, तो वो तो बताया ही आपने, तो वेल वो भी जान लीजिए। क्योंकि कमर्शियल लैपटॉप कंज्यूमर लैपटॉप से कई चीजों में बेहतर होता है, डेफिनेटली उसकी प्राइस भी कुछ ज्यादा होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार रुपए ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू कंज्यूमर लैपटॉप। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा लैपटॉप लेते समय देखना चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करो और फिर एप्रोप्रिएट लैपटॉप को पिक करो, ताकि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हो उसकी प्रॉपर वैल्यू मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हेल्प फी, आप इस वीडियो को जरूर लाइक देना और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट्स पर भी क्लिक कर दो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अलर्ट आपको मिलती रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।